देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 4 केस। मुंबई के करीब कल्याण डोंबिवली में 1 केस मिलने से हड़कंप। कर्नाटक में पहले 2 केस मिलने के बाद 1 केस गुजरात के जामनगर और दूसरा मुंबई में सामने आया। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। कल्याण डोंबिवली में एक व्यक्ति पाया गया संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स मिला संक्रमित। 33 साल के शख्स में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था और उसमें अब पाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। डोंबिवली के रहने वाले शख्स ने अभी तक नहीं ली है कोई वैक्सीन। 24 नवंबर को वो केप टाउन से मुंबई आया था। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला है 1 केस जिम्बाब्वे से लौटे व्यक्ति में मिला है। गुरुवार को कोविड-19 टेस्ट के बाद जामनगर के बुजुर्ग व्यक्ति का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। संक्रमित बुजुर्ग के संपर्क में आए हैं 10 लोग, सभी को किया गया क्वारंटीन, उनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। 72 साल के बुजुर्ग ने लगवा रखे हैं वैक्सीन के दोनों डोज। हाल ही में जिम्बाब्वे से बुजुर्ग लौटे हैं। वैज्ञानिकों ने जताई आशंका, ओमिक्रॉन से भारत में आ सकती है तीसरी लहर, सभी को सावधान रहने की जरूरत। ओमिक्रॉन पर IIT का पहला डेटा एनालिसिस हुआ है। फरवरी में 1.5 लाख डेली केस के साथ बन सकता है तीसरी लहर का पीक। विदेश से आने वाले लिखवा रखते हैं गलत पता और फोन नंबर। 5 राज्यों में विदेश से आए 586 लोगों का कोई पता नहीं। ओमिक्रॉन स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारी की गई है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग के लिए 20 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन की दस्तक से हरकत में CM भूपेंद्र पटेल। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में CM भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। बेंगलुरु में विदेश से आए 10 लोगों का पता लगाया गया है, सभी अफ्रीकी देश से लौटे हैं। BMC ने होम क्वारंटीन को लेकर जारी की है नई गाइडलाइन। हाई रिस्क वाले देशों से लौटे लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों का हर दिन होगा चेकअप। एक दिन में 5 बार फोन कर सकते हैं सेहत के लिए अपडेट। नई गाइडलाइन के मुताबिक हर दिन एयरपोर्ट के CEO विदेश से लौटे लोगों के डिटेल्स डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजेंगे। वार्ड ऑफिसर सोसाइटी के सेक्रेटरी को होम क्वारंटीन वाले शख्स को लेकर जारी करेंगे नोटिस। डॉक्टर की टीम हर दिन चेकअप करने जाएगी। कोविड पर रिसर्च करने वाले नागपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा खनार का बयान, एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटेजी से ओमिक्रॉन का जल्द पता चलेगा। भारत में ओमिक्रॉन के केस के आने के बाद केंद्र ने 6 राज्यों को किया है अलर्ट। केरल, कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु, J&K और ओडिशा को लिखी है चिट्ठी। केंद्र ने 6 राज्यों से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर रखे विशेष निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का भी करें फोकस। केंद्र के राज्यों को सलाह, पॉजिटिव रिपोर्ट वाले सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। दिल्ली पुलिस का सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार। एयर इंडिया और महान एयरलाइंस ने 3 यात्रियों को जारी किया है शो कॉज नोटिस, कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। मुंबई एयरपोर्ट ने रैपिड RT-PCR टेस्ट का चार्ज कम किया, 4500 की बजाय अब 3900 रुपए हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में मिले 9 नए मामले, एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जुलाई के बाद पहली बार गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9 मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में 5 मामले नोएडा, 2 ग्रेटर नोएडा और 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं। सभी मरीजों की निकाली जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू की गई है। गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। गुजरात के राजकोट में 112 लोग विदेश से आए हैं। हाई रिस्क कंट्रीज से आए 12 लोग प्रशासन कर रहा है मॉनिटरिंग। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए 50 से ज्यादा छात्रों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया है। पुडुचेरी में चलाया जा रहा है स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान, LG ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर संसदीय कमेटी की सुझाव, कोरोना वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन करें। 10 दिनों में ही यह नया वेरिएंट 38 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के अब तक करीब 400 केस सामने आए हैं। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए केस सामने आए हैं और कुल केस की संख्या 8 तक पहुंच गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन और तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। मेक्सिको में भी पहुंचा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।